राजस्थान का चुनावी दंगल एक बार फिर शुरू हो गया है। और बात करें 7 सीटों पर उपचुनाव की, तो उनमें सबसे हॉट सीट जो है वो अब भी दौसा बना हुआ है। आपको बताएं कि दौसा, जहां लड़ाई फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस की बताई जा रही है, बीजेपी से मैदान में उतरे हैं सालों से संघर्ष कर रहे जगमोहन मीना, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने उतारा है दीनदयाल बैरवा को। हालांकि ये लड़ाई भले ही जगमोहन मीना और दीनदयाल बैरवा की हो, एक मीना और एक बैरवा की, लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ लड़ाई सीधे सीधे किरोड़ी लाल मीना और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच में है। जी हाँ, भले ही ये लड़ाई जगमोहन मीना और डीसी बैरवा लड़ रहे हों, लेकिन लोग कह रहे हैं कि दौसा में जो है किरोड़ी लाल मीना और सचिन पायलट की साख लगातार दांव पर लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि किरोड़ी लाल मीना अपने भाई जगमोहन के लिए लगातार यहां पर प्रचार कर रहे हैं। वहीं दिवाली के बाद सचिन पायलट भी दौसा पहुंचे और वहां पर डीडी बैरवा के पक्ष में बड़ी जनसभा की और वहां पर कांग्रेस का माहौल बनाने की कोशिश की। लेकिन दौसा में जो माहौल है फिलहाल और पूर्वी राजस्थान में, लगातार किरोड़ी लाल मीना के जो समर्थक हैं उनका कहना यही है कि किरोड़ी लाल मीना और जगमोहन मीना को इस बार कोई नहीं हरा सकता। आपको बताएं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में मुरारी लाल मीना यहां से विधायक बने थे। उसके बाद 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो मुरारी जी यहां से सांसद बन गए और जिसके बाद दौसा की विधानसभा सीट जो है वो खाली हुई और इसी का नतीजा रहा कि आज यहां पर लोकसभा चुनाव हो रहा है। और तमाम 7 सीटों के अंदर दौसा ही वो सीट है जो लगातार हॉट सीट बनी हुई है। हालांकि इसके अलावा टोंक के देवली उनियारा और नागौर के खींवसर की भी चर्चा है, लेकिन दौसा में जो मुकाबला है वो काफ़ी गर्म हो चुका है। अब अगर मैं इस सीट के सियासी इतिहास के बारे में अगर जिक्र करूं, तो आपको बताऊं कि इस सीट पर शुरू से ही मुरारी लाल मीना और किरोड़ी लाल मीना का दबदबा रहा है। कभी यहाँ से मुरारी जीते, हालांकि बीजेपी इस सीट पर 2013 के बाद नहीं जीत पाई है। वहीं आपको बताएं कि मुरारी लाल मीना इस सीट पर रिकॉर्ड 99,000 वोट से जीते हैं। उन्होंने बीजेपी के शंकर लाल शर्मा को 50,000 से भी ज़्यादा वोटों से हराया था। आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा मार्जिन है विधानसभा चुनाव में। इसके अलावा आपको बताऊं तो 2013 के चुनाव में बीजेपी ने यहाँ से ब्राह्मण उम्मीदवार उतारा था मुरारी लाल मीना के खिलाफ। वो थे शंकर लाल शर्मा, जिनको 65,000 वोट ही मिले थे और उन्हें भी मुरारी लाल मीना के सामने हार का सामना करना पड़ा था। तो आप सोच सकते हैं कि दौसा में मुरारी लाल मीना का कैसा दबदबा है। इसके अलावा एक बड़ी चर्चा इस सीट पर यह भी है कि कांग्रेस ने जो है वहाँ पर कोई सेटिंग की है, या ऐसा वहाँ के लोगों का आरोप है। आपको बताएं कि मैच फिक्सिंग से लेकर सीटों का जिस तरीके से बंटवारा हुआ है और वहाँ पर डीसी बैरवा को उतारा गया है, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं इसके बाद कि वहाँ पर कांग्रेस ने जो है किसी तरीके से अंदर खाने बीजेपी से सेटिंग कर ली है। और उसका कारण ये है कि किरोड़ी लाल मीना का जो दबदबा है वहाँ पर, इस बात से कांग्रेस भी वाकिफ है और कांग्रेस भी शायद अंदर ही अंदर ये समझ चुकी थी कि अगर किरोड़ी लाल मीना अपने किसी आदमी को या फिर अपने किसी उम्मीदवार को वहाँ पर उतार देते हैं तो कांग्रेस के लिए सीट निकालना काफ़ी मुश्किल होगा। और कह सकते हैं कि उसी का नतीजा था कि जब किरोड़ी के भाई जगमोहन वहाँ से उतरे दौसा से, तो कांग्रेस ने वहाँ से डीसी बैरवा को उतारा, जो कि लोग कह रहे हैं कि किरोड़ी के सामने काफ़ी कमज़ोर उम्मीदवार है। ऐसे में सवाल ये भी कि कांग्रेस ने दौसा जैसी सीट पर इतना कमज़ोर उम्मीदवार क्यों उतारा और क्यों वहां पर मीना वर्सेस बैरवा को लड़ाने का प्रयास किया। वहां पर हो सकता है कि मुरारी के किसी परिवार वाले को टिकट मिल जाता तो कांग्रेस की स्थिति वहां पर मजबूत होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और डीसी बैरवा को ही उतारा गया। और इसी का नतीजा है कि लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीना के सामने हार मान ली है, ऐसा लोगों का आरोप है। अब अगर मैं आपको इस सीट के जातीय समीकरण की कुछ तस्वीरें दिखाऊं, तो दौसा में आपको बताऊं कि दौसा विधानसभा में मीना समुदाय का जो प्रतिशत है, या कहें कि जनसंख्या है, वो करीब करीब 65,000 है। वहीं ब्राह्मणों की अगर संख्या की बात करें तो वो 37,000 है। इसके अलावा 57,000 SC यहाँ पर मौजूद हैं,
साथ ही अगर गुर्जरों की बात करें तो 22,000 जनसंख्या यहाँ पर गुर्जरों की बताई जाती है। साथ ही माली समाज की अगर बात करें तो 15,000 माली समाज के लोग यहाँ पर हैं, और इसके अलावा कम तो नहीं कह सकते लेकिन 11,000 जनसंख्या यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की भी है। इसके अलावा वैश्य समाज और राजपूतों की संख्या करीब करीब 10,000 बताई जाती है यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं कि दौसा की ये जो सीट है वो कुल मिलाकर मीना बाहुल्य सीट है, और चुनाव में जो वोटिंग होगी उसमें मीना समुदाय का दबदबा आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगा। और ऐसे में अगर बीजेपी के जगमोहन मीना वहां पर उतर चुके हैं और उनके सामने डीसी बैरवा होंगे तो आप सोच सकते हैं कि वहां पर वोटिंग किस तरीके से होगी। तो कुल मिलाकर दौसा का जो मुकाबला है वो इस बार तमाम 7 विधानसभा सीटों में सबसे हॉट रहने वाला है, और यहाँ पर जगमोहन वर्सेज बैरवा की सीधी सीधी लड़ाई होगी। आपने देखा होगा कि जब जगमोहन मीना यहाँ पर नामांकन भरने आए थे तो न सिर्फ किरोड़ी लाल मीना बल्कि पूरी की पूरी भजन लाल सरकार उनके साथ थी। सीएम भजन लाल शर्मा खुद उनके नामांकन सभा में पहुंचे थे पूरे के पूरे मंत्रिमंडल के साथ। तमाम मंत्री वहाँ मौजूद थे, तमाम प्रशासनिक अमला वहाँ पर दौसा में मौजूद था सिर्फ और सिर्फ जगमोहन मीना के समर्थन में। वहीं डीसी बैरवा की बात करें तो उनके लिए भले ही पायलट और गहलोत दोनों आए हों प्रचार करने, मुरारी लगातार डटे हुए हैं। सांसद बनने के बाद अब उनकी साख पे भी सवाल होगा कि दौसा की सीट एक बार फिर से वो कांग्रेस के झोली में डाले। लेकिन वहाँ पर जगमोहन मीना और डीसी बैरवा में आमने सामने की लड़ाई, और देखना होगा कि मीना बाहुल्य इस सीट पर क्या खेल होता है। फिलहाल दौसा की राजनीति लगातार गर्माती जा रही है, साथ ही पूर्वी राजस्थान में कमोवेश ऐसे ही हालात हैं। और दौसा की ये सीट ना सिर्फ दौसा और पूर्वी राजस्थान में बल्कि इन सभी 7 सीटों पर अपना असर दिखाएगी। 13 नवंबर को वोटिंग है और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे जो आप सबसे पहले राजस्थान तक पर देख पाएंगे।